मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं इलस्ट्रेटर में हम सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करता हूं, आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको देख लिया आपको क्या पोस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। कंपनी का लोगो चाहिए होता है, उसकी सोशल मीडिया हैंडल चाहिए होता है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होता है और कुछ आपके उसके बारे में जानना होता है क्या चाहिए होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, लोगो और कुछ सोशल मीडिया आइकन्स। अगर आपको आइकन्स चाहिए तो आप फ्रीपिक से ढूंढ सकते हैं, वो आपको फ्रीपिक पर जाकर आप लिखेंगे सोशल मीडिया आइकन्स तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब चलिए फाइल में जाता हूँ, न्यू लेता हूँ और यहाँ पर जाकर वेब में क्लिक करते हैं और यहाँ के हम करते हैं पिक्सल्स। इसका जो सोशल मीडिया का साइज़ होता है आपका 1080x1080 पिक्सल, ठीक है। कलर आपको RGB रखना है और स्क्रीन 72 रख के क्रिएट कर देना है। जैसे क्रिएट करेंगे आपका स्क्वायर साइज का ये आपका बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सेव एज पे क्लिक करना और जहाँ भी आपको सेव एज करना है, जैसे मैं डाउनलोड के अंदर करता हूँ, लिखता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, करके यहाँ पे सेव करता हूँ। करने के बाद इसको हटा दीजिए जो ये लिखा हुआ, इससे आप करके ओके कीजिए। इससे क्या फाइल आपकी हल्की बनेगी, काम करने में आपको ईजी होगा। जो हमने कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ, जब काम करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, जिसके ऊपर बिना इमेज के सोशल मीडिया पोस्ट हमारी अच्छी लगती है नहीं। तो यहाँ देखिए हमने एक इमेज ले रखी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज है ये। जनरली आपको इमेज क्या होती है, यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिलती है। अगर आप फ्रीपिक पे भी सर्च करोगे कोई भी इमेज, या क्लाइंट आपको देता है, अगर सूट होती तो व्हाइट बैकग्राउंड पे होती है। तो आपको करना क्या, यहाँ देखिए आपको क्या, यहाँ जनरल देखें आपको लॉक लगा हुआ दिखेगा, आप इस लॉक पर क्लिक कीजिए और लॉक हो जाएगा। उसके बाद विंडो में जाइए और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर देखिए रिमूव बैकग्राउंड दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपके यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड ये विद इन सेकेंड आपको हटा देगी, देखिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ से हट के खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज में जाना है और आपको ट्रिम करना है, ओके करना है, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा जो स्पेस था वो आपका सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फाइल में जाइए, इसको सेव एज करना है, आप इसको जिस नाम से भी करना है तो इस पर कर दीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मॉडल और इस फॉर्मेट PSD रखना है और सेव कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब आते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडल को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ प्लेस दिखेगा, प्लेस करेंगे, ये रही आपकी, देखिए यहाँ JPG थी, हमने जो बैकग्राउंड हटाया ये आपकी PSD हो गए, ये वाले जो PS लिखा हुआ है, क्लिक करके हमने इसको अभी साइड में रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइड में इसको अभी हमने रख लिया। अब हम चलिए डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इसमें कुछ एलिमेंट हम पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या है, सिंपल सा हम दो चीज़ें लेता हूँ, एक सर्कल एक रेक्टेंगल, सिर्फ इससे मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा सर्कल ले लिए। सर्कल लेने के बाद अभी जो कलर थीम है आपका, तो आप कोशिश करें कलर थीम या तो लोगो से कनेक्ट करें या फिर मॉडल के कलर से करें, ज़्यादातर हम क्या करते हैं लोगो कलर से करते हैं। तो हमें चलिए ये वाला कलर थीम यहाँ से हमने ले लिया है, ऑरेंज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दो रेक्टेंगल लेता हूँ, एक ये जो आपका लोगो का फर्स्ट कलर है, और शिफ्ट इसको मैंने कॉपी किया और जो सेकेंड कलर इसको पिक किया, और एक कलर हम ले लेते हैं, नेक्स्ट कलर कौन सा, ग्रे या ब्लैक, डार्क ग्रे रख ले या ब्लैक रख ले, जो आपको देखने में अच्छी लगेगी। चलिए हमने क्या किया, यहाँ से डार्क ग्रे रख लिया है, आप यहाँ से 80-90% के अराउंड रख सकते हैं, ठीक है, ये रख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आए, अब इसका थोड़ा सा नॉर्मल सर्कल लगाएंगे, थोड़ा सा लगेगा सिंपल, इसको हम थोड़ा सा ऑड बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्शन टूल, ठीक है, यहाँ पे किसी भी नोट पे क्लिक कीजिए और यहाँ जब क्लिक करें ऑटोमेटिक यहाँ देखिए ये रहता है। आप इसको क्या करना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कीजिए, इसको शिफ्ट दबा के, ठीक है, आपको जितना भी लग रहा है अपने अकॉर्डिंग आप घुमा के कर सकते हैं, इस तरह से आपको जैसे भी लगाना है इस तरह से यहाँ पे अंदर की तरफ कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद क्या करना है आपको, ये तो आपका एक कलर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल बनाने के लिए आप क्या लेंगे, यहाँ से पॉलीगन लेंगे, ठीक है, यहाँ पॉलीगन क्लिक किया, क्लिक करने का यहाँ पे इसका साइड है 3 कर दीजिए, 3 करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या है, ये ट्रायंगल बन के आ जाएगा, ठीक है, बड़ी करते हैं। और जो कोने में देखिए आपका ये छोटे छोटे ये सर्कल बन रहे, इसको अंदर तक खींचिए, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉर्नर राउंडेड हो जाएगा। और इसका कलर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कलर हम यहाँ पे ये कर देते हैं ब्लू, जो लोगों का कलर था, और इसको हम क्या करते हैं, इस सर्कल के पीछे डाल देते हैं, पीछे डाल के यहाँ पे हम चिपका देते हैं इस तरह से, ठीक है। चिपकाने के बाद इसका हम साइज़ थोड़ा सा अभी बड़ा रखते हैं, बाद में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, आप देखिए एक एक करके हम प्लेसमेंट करते हैं। हमारा साइज़ क्या था, यहाँ पे साइज़ चेक करने के लिए देखिए 1080x1080 पिक्सल, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, और क्लिक किया, इसका साइज़ किया 1080x1080, ओके किया, और कलर इसका नन कर देते हैं और अलाइनमेंट में जाके इसको हम सेंटर कर दिया, ठीक है। करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जैसे हम पहले ही बताया, हम कुछ भी बनाते हैं मार्जिन के अंदर जिससे देखने में अच्छा लगे, कंट्रोल शिफ्ट M दबाया,
इसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हमने यहाँ से 0 0 किया, और हम क्या करते हैं यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, इस लॉक को ऑन ऑफ करते हैं, और यहाँ से हम कर देते हैं -60। देखिए -60 की इतना आ रहा है, तो आप चाहे तो इसको और कर सकते हैं -60, तो आपको कितना आ गया 120। 120 में अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप यहाँ से 1080 -100 -100, ठीक है, करके आप इसका कलर कर दीजिए ब्लैक। देखिए ब्लैक की आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतना अंदर आ गया, ठीक है। अब इसे हम गाइडलाइन में कन्वर्ट करते हैं, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मेक गाइड्स कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये गाइडलाइन में कन्वर्ट हो गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यहाँ करने के लिए आप क्या है, इसके ऊपर आपको इमेज लगानी है, ठीक है। इस इमेज को हमने ऊपर किया, कंट्रोल शिफ्ट बैक, जो ऊपर वाली बड़ी वाली ब्रैकेट होती है उसको लगाएंगे, और इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और ये हमने लिया है, इसको हम नीचे की तरफ लाते हैं। देखिए इस तरह से आप चाहे तो इसको और बड़ी कर ले, क्योंकि मेन जो एलिमेंट हेडलाइन आपको इसके ऊपर ही दिखाना है, और कोशिश करें जो भी चीज़ें आप थोड़ी मार्जिन के अंदर लें, जिससे आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब देखिए ये हम इस चीज़ को अभी हम काम करेंगे, जो नीचे से कटा हुआ दिख रहा है इस चीज़ के ऊपर अभी हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे लोगो लगाते हैं, हमने क्या किया टॉप में लोगो लगा दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोगो लगा रहे हैं। आप अभी मैंने पीछे बैकग्राउंड लगा रखा, आप चाहे इस बैकग्राउंड को आप हटा दें, ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस लोगो को हमने मार्जिन के अंदर यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ठीक है, ये लोगो लग गया आपका। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ जो हेडलाइन लिखेंगे वो भी आपको लिख के दिखाऊंगा, पहले हम इस इमेज को सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, हम इसने लिया था, इसी को दबा के हमने कॉपी कर ली, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा है, आपको जितना रखना है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ रख सकते हैं, जो भी रखना है। अब फिर इसको रख लिया हमने, इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रे, लाइट कलर ले लेते हैं ग्रे, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ से इतना हम अपने ले लिया, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, ये जो एरिया सब कुछ निकला रहे, लेकिन जो नीचे का एरिया है आपका जो देख रहे इस वाले शेप के अंदर फिट हो जाए, तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए इस वाले को हम ऊपर लेते हैं, ठीक है, जो पीछे हमने शेप लिया था उस शेप को अभी हम ऊपर लेते हैं। ऊपर लेने के बाद हम क्या करते हैं, जो एरिया आपको एक्स्ट्रा लेना है, पहले हम पेन टूल लेते हैं, और जो एरिया आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जिसके अंदर फ्लेक हो, मास चाहिए, उसके अंदर आप ले लें इसको, ठीक है। ये एरिया हमें चाहिए होता है, जो एरिया दिखाना है इसके अंदर ले लें, जो नहीं दिखाना उसको छोड़ दें, ठीक है। ये एरिया दो बन गए हमारे से, उसके बाद विंडो में जाइए और पाथ फाइंडर में जाइए, ये रख खुल गया। आप इस जो ड्रॉ किया और पीछे वाले सर्कल को लीजिए, और यहाँ से आपकी क्या करिए, इसको यूनिट कर दीजिए, दोनों मर्ज हो गए आपके, ठीक है, मर्ज हो गए। सॉरी, मर्ज होने से पहले क्या करना है आपको, जो ये पीछे वाले सर्कल थे इसकी एक कॉपी बना लें, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट एम प्रेस करें, ये खुल जाएगा, इसको आप 0 0 कर दें और ओके कर दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपकी दो सर्कल बनी, तो आपकी एक सर्कल और इसको, इस दोनों को आप यहाँ से यूनिट कर लें, ठीक है। और जो इमेज है, इमेज को आप कंट्रोल शिफ्ट बड़ी ब्रैकेट से ऊपर कर लें, और इस वाले जो मर्ज किया था लेयर उसमें क्लिक करके कंट्रोल 7 प्रेस कर दें, ये वाले और इस वाले में कंट्रोल 7। हाँ, तो सबसे पहले एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताने के लिए, हम जब भी इमेज क्लिक मास्क करते हैं, आपका जो शेप होता है उस शेप को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल 7 प्रेस किया, ये देखिए शेप आपके क्या इस सर्कल के अंदर आ गए। देखिए आप देखिए इस चीज़ गौर से, जो आपने यहाँ था कटआउट इसके अंदर आ गई, और पीछे जो अपना ग्रे था वो भी ग्रे अपना यहाँ पे दिख रहा है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अभी दिमाग से उतर गया बताते आपको, कि मतलब जब भी इमेज को क्लिपिंग मास्क करते हैं आपकी इमेज पीछे होनी चाहिए, और जिस शेप के अंदर करते हैं वो शेप आपकी ऊपर होनी चाहिए। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो आपका इमेज का भी आपका यहाँ पे काम हो गया, और आपकी हेडलाइन के लिए यहाँ पे जगह आपकी बन गई। तो आप इस चीज़ को चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट करके थोड़ी आप नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इतनी चीज़ें आपकी बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हमें क्या कुछ एलिमेंट और दिखाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप क्या करते हैं यहाँ से, एक आप क्या कर ले यहाँ से सर्कल या रेक्टेंगल जो भी लेना है आप यहाँ से ले लें। हमने सर एलिप्स लिया हमने छोटा सा, और इस यहाँ से हमने जो ग्रे कलर लिया है ये वाला, यही ग्रे कलर यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ले लिया और ऑल्ट शिफ्ट इसको हमने कॉपी किया, और फिर कंट्रोल डी दबाते हैं, ठीक है, 4-5 बार दबा लीजिए। फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट से हमने इसको थोड़ा छोटा किया, अंदर नीचे की तरफ किसका है, फिर कंट्रोल डी दबा लेते हैं, ठीक है। इतना दबाइए शेप में देखिए स्क्वायर की तरह, ठीक है। अब हम इसको क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको हम शिफ्ट दबा के थोड़ा रोटेट करते हैं ट्रायंगल की तरह,
और आधे को हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए आधे को हम यहाँ से डिलीट मारते हैं, इधर को हटा दिया तो आपका इतना बच गया। अब इस चीज़ को क्या है, एज ए एलिमेंट आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ देखिए आपको एक्सपेंड का ऑप्शन मिलेगा, एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो ये चल जाएगा, कंट्रोल जी करके इसको हम ले लेते हैं और आपको जहाँ जहाँ लगाना है इसको छोटा कर लें। आप चाहें तो इसका कलर आप यहाँ ये वाला भी रख सकते हैं, जैसे आप देखने हमने यहाँ दो कलर लिया था ना आपके सामने मैंने ये, तो आप दो कलर आप इसका साथ यूज कर सकते हैं या फिर ऑरेंज जो भी कलर आपको लग रहा है आप इसको यूज कर सकते हैं, बस शिफ्ट दबा के घुमा के आप लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ लाया, आप इस चीज़ को चाहे तो आप यहाँ पे इस तरह लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ठीक है, ये कि यहाँ पे आ गया आपका कलर। और इसी चीज़ को आप क्या करें, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट से कॉपी कर लें और नीचे की तरफ ले आएँ और शिफ्ट दबा के इसको आप रोटेट कर दें और इसका कलर कर लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। ये पिक किया हमने, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पिकर टूल आता है ना उससे करेंगे आप, इसका ऑरेंज हो जाएगा। आपको इतने ही यहाँ पे लगा दिया, आप देखिए दो एलिमेंट बन गए आपके यहाँ पे, एक ऊपर एक नीचे। अब आपको कुछ एलिमेंट और चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट और हम लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, एकदम पतला पतला लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल लिया हमने यहाँ से और यहाँ से आप क्या करते हैं, जो कलर था ये ले लिया और इसको हमने क्या किया, ऑल्ट शिफ्ट से हमने कॉपी किया नीचे की तरफ और कंट्रोल डी दबाते हैं हम, इसे 7-8 बार दबा देते हैं, ठीक है। दबाने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से एलिप्स लेते हैं और शिफ्ट दबा के इसको हम ड्रॉ करते हैं, लिया और बाहर वाले को हमने यहाँ से क्या किया, ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से। हमने क्या ऊपर वाले से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल 7 प्रेस किया, देखिए ये शेप आपकी इसके अंदर चली गई। अब क्या करना है, इस चीज़ को आपको अंदर लाना है और शिफ्ट दबा के आप छोटी कर दीजिए यहाँ पर और इसको कंट्रोल शिफ्ट छोटी वाले ब्रैकेट दबा के आपको क्या करना है, नीचे की तरफ करना है और रोटेट करके आपको जैसे भी रखना है उस तरह से आप रोटेट करके यहाँ पे आप लगा दीजिए। हमने यहाँ पे लगा दिया, आप चाहे तो इसको और भी कहीं कॉपी कर करना है तो ऑल्ट से कॉपी करके आप इसका अगर कलर चेंज करना है अंदर जाइए और कलर चेंज करके आपको जो भी कलर लगाना है, जैसे ये वाले ब्लू लगाना है तो ब्लू पिक किया यहाँ से, आपको इस तरफ लगाना है जिस तरफ भी लगाना है आपको उस तरफ आप लगा सकते हैं। इजीली हमने इसको थोड़ा छोटा किया, यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। आपका देखिए एलिमेंट बन के आपका यहाँ पे तैयार हो गया और आपको कहीं लगाना है तो ऑल्ट से कॉपी किया तो आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, आपको जैसा दिखे अंदर पीछे आगे जो भी लगाना है, एज ए एलिमेंट आपने यहाँ पे यूज़ करके लगा दिया। देखिए अब हमारा क्या बैकग्राउंड बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है और कुछ आइकन्स लगाने हैं, जैसे यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पर जिस चीज़ को बना रहे हैं अपने बारे में बना रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया, टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया, कंट्रोल टी दबाएंगे या फॉन्ट लेते हैं। अभी मैं सिंपल फॉन्ट स्विस का ले रहा हूँ, स्विस का मैंने यहाँ से लो लाइट फॉन्ट लिया, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका मैं बड़ा कर दे रहा हूँ 40, जो लिखना है आप जिस चीज़ के बारे में लिखाना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। लिख दिया आपने वी आर क्रिएटिव डिजाइनर, ठीक है। इसको लिया हमने और उसको पैराग्राफ लगा के सेंटर कर दिए हैं और सेंटर करने के बाद यहाँ लाते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ हमने सेंटर किया, यहाँ हमने लगा दिया। अब क्या है, आप हमने लिखते हैं वी आर क्रिएटिव डिजाइनर, लेकिन किस चीज़ का, किस चीज़ का डिजाइनर, डिजाइनर तो हर चीज़ हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट इसको कॉपी किया और इसमें जो चेंज करना है हम लिख देते हैं, किस चीज़ के लिए हम लिख देते हैं फॉर योर COMPANY लिख दिया हमने, फॉर योर कंपनी, इसका हमने यहाँ पे इसको कर दिया हमने बोल्ड। हमने क्या किया, इसको नीचे ला रहे हैं, इसको हम फॉन्ट साइज चाहती यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को आप यहाँ से कट किया, इस चीज़ को हम कर रहे हैं नीचे, ठीक है। और उस चीज़ को हमने यहाँ से जो कॉपी किया था, कट किया था, उसको छोटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेंटर,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसको जब सेंटर किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी कट रही है, ठीक है। तो आप उस पोजीशन में क्या कर सकते हैं, आप ये जो हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को आप सेलेक्ट करें, थोड़ी सी इस चीज़ को आप छोटी कर लें अपने अकॉर्डिंग, और ऊपर नीचे कर लें अपने अकॉर्डिंग जो सेट करना है। हमने यहाँ जो लगाया था इसको क्या कर लें, आप थोड़ी बड़ी कर लें, अगर आपको लग रहा है ये कट रही है तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से बड़ी कर ली है। अब देखिए हमने क्या किया, जो भी आपको यहाँ लगाना था इसको हम यहाँ से सेंटर कर रहे हैं। अगर लग रहा है यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ज़्यादा टेक्स्ट हो रहा था, इसकी अलाइनमेंट यहाँ चेंज करके आप कर दें, लेफ्ट कर दें, लेफ्ट भी करेंगे कोई इशू नहीं, आप यहाँ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ जब हमने लेफ्ट किया तो आपकी यहाँ पे ये फॉन्ट साइज आपका बड़ा करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया आपके सामने। अब इसको आप यहाँ से क्या करें, लग रहा है पतली ज़्यादा आ रही है, लाइट से इसको रेगुलर कर दें, आप रोमन कर दें, ये देखिए आपकी यहाँ पे ये क्या होगी, फॉन्ट साइज आपकी बड़ी आ गई यहाँ पे, जिससे आपको किसी को इजीली आपका पोस्ट दिख जाएगा। आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिस चीज़ को आप चाहिए हाईलाइट करना है, कुछ करना है, तो अगर इसको लगता है आपको ब्लैक करना है तो आपने यहाँ पे कलर तीसरा लिया था, ये कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। अगर लगता है यहाँ पे आपको सेम फॉन्ट साइज आ जाएगी, क्लिक करके सेम फॉन्ट साइज कीजिए और इसका कलर आप क्या कर दिए, ब्लैक कर दीजिए। देखिए ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और एलिमेंट लगानी है। उसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ सोशल मीडिया आइकन लिए थे, सोशल मीडिया आइकन को क्या करें, आप यहाँ यहाँ पे लगा सकते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यहाँ पे, ठीक है। आप इस किस पे है, चलिए हमने क्या करा, थोड़ा जूम करता हूँ। आप अगर सोशल मीडिया पर सर्च करेगा तो कहाँ पर सर्च करेगा ये, चलिए वहाँ उसका कुछ तो नाम होना चाहिए, हमने इस पर क्लिक किया। इसका फॉन्ट साइज बोल्ड नहीं रखना है, फॉन्ट साइज मीडियम रखना है, फॉन्ट साइज हम थोड़ी छोटी कर देते हैं, जैसे यहाँ पे सर्च करेगा राज ग्राफिक ज्ञान, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लाया और फॉन्ट साइज अगर ज़्यादा बढ़ी है तो इसको मैं कर देता हूँ 30। इसको राइट खिसक लेफ्ट खिसका रहा हूँ और इस कोने पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर आप ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं तो इसको क्या कस्टम कलर कर दें, इसको और इसको सेलेक्ट करें, इसका कलर हम ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या अलग अलग कलर यहाँ पे आ गए, ये तो चलो आपको सोशल मीडिया पर उसने आप किया। और आप मान लो आपको कॉन्टैक्ट करेगा फ़ोन के थ्रू, कैसे करेगा, वो फ़ोन नंबर चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट लिया, यहाँ लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट अस, कॉलन लगाया। अब इसको ऑल्ट शिफ्ट से कॉपी करते हैं, फ़ोन नंबर देंगे आप, फ़ोन नंबर देंगे कुछ तो नंबर होना चाहिए, तो हमने यहाँ लगा दिया +91-। आपको जो भी नंबर है आप यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर लगा दिया है। आप चाहते हैं कि ये चीज़ हमारा यहाँ पे हाईलाइट होके आए तो आप इस चीज़ को यहाँ पे आप बड़ी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर ये डिस्टर्ब कर, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ। और इस पे क्या करना है, आपको अगर लगता है तो हाईलाइट करनी है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, बॉक्स भी लगा सकते हैं इसके पीछे, इसके पीछे लिया मैंने, इसका कलर कर दिया ऑरेंज, ठीक है। और इस टेक्स्ट को मैं कर दे रहा हूँ ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, और इस टेक्स्ट को मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे वाइट। और इसको इस चीज़ को आप क्या कर दें, यहाँ से थोड़ी छोटी कर दें। तो देखिए आपने क्या हो गया, ये आपके नीचे वाली बेस बन के आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें, नीचे की तरफ आपको चिपके जा रहा है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और इस चीज़ को आप थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाइए, जिससे कि आपको ये चिपका हुआ ना दिखे। और ये जो चीज़ आपको लग रहा है और बड़ी है, थोड़ा और बड़ी कर दीजिए आपको यहाँ पर इस तरह से। इस चीज़ को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालिए, थोड़ा लग रहा है बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पर निकाल दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या सिंपल सोबर सा आपका जो सोशल मीडिया पोस्ट था क्रिएटिव, आपने बाहर से कुछ नहीं लिया, आपका बन के यहाँ पे तैयार हो गया। आप देखिए कंपनी का लोगो आ गया, आप जहाँ मॉडल आ गई है, आप कॉन्टैक्ट किस पे करें वो आ गया, सोशल मीडिया हैंडल आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया पर आपकी होती नहीं है। अब देख रहे हैं आप कितना अच्छा आपका आ गया, आपको जो मैसेज लिखना है, मैंने डमी मैसेज लिखा है, वी आर क्रिएटिव डिजाइनर फॉर योर कंपनी। आपको क्या, अगर आपको चाहिए क्रिएटिव डिजाइनर तो आप क्या हमसे क्या कंसल्ट करेंगे, आपका अगर सोशल मीडिया पर करना है, फेसबुक पर करना है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, जहाँ भी देखना है, आप जो भी देंगे अपना हैंड सोशल मीडिया हैंडल, वहाँ पर क्लिक कर आपको सर्च करेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा। इससे ज़्यादा कोई डिटेल देनी है तो आप छोटी मोटी डिटेल आप क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ दे सकते हैं। उस पोजिशन में आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को उठा के आप क्या कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर राइट साइड में लगा सकते हैं आप, और यहाँ पर आप डिटेल अपनी दे सकते हैं।
ये थे हमारे आज की छोटी सी क्लास। हम सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट हम खुद से डिजाइन करके कैसे बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।